Hey guys, welcome back to my channel Cooking with Shikha. मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत सारी नई exciting recipes. So stay tuned to my channel. Also, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे सारे रेसिपीज की नोटिफिकेशन मिले. तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी. आज हम एक बिल्कुल नए तरह की मॉकटेल बनाएंगे. दिस इज बेसिल सीड आइस टी. ये बिल्कुल फ्लेवरफुल, रिफ्रेशिंग और बहुत टेस्टी समर ड्रिंक है. तो इसकी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें और इसे ज़रूर ट्राई करें. बेसिल आइस टी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं बेसिल सीड्स. इन्हें सब्जा सीड्स भी कहा जाता है. ये काफ़ी हेल्दी होते हैं एंड दीज आर वेरी हेल्पफुल इन लूजिंग वेट. ऑल्सो आई रियली लाइक टू इंक्लूड दैम इन माई मॉकटेल्स. अलग अलग तरह की इससे मैं यूज़ करके ड्रिंक्स बनाती हूँ जो कि बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत टेस्टी होते हैं. तो यू शुड ऑल्सो गिव दिस अ ट्राई. ये ईजिली ऑनलाइन अवेलेबल है. सो आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन ऑल्सो परचेज दीज. तो मैंने यहाँ पर सब्जा सीड्स को लिया है. इन्हें हम पानी में सोक करेंगे तो ये काफ़ी फूल जाते हैं. सो यू नो जस्ट अ टीस्पून. मैंने यहाँ पर एक टीस्पून सब्जा सीड्स ले रखे हैं. इन्हें हम पानी में सोक करेंगे. इट्स सुपर इजी. बस इसके ऊपर पानी डाल देना है एंड यू नो लेट इट सिट फॉर अराउंड 10 to 15 minutes. तो जब तक ये सोक हो रहे हैं आई एम गोना बॉयल माय वाटर एंड आइस टी का जो बेस है उसे हम प्रिपेयर करेंगे. तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 cup पानी एंड उसमें आई एम गोना ऐड इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी का ये सैशे. सो व्हाट हैपेंस इज हम नॉर्मल घर की जो चाय पत्ती होती है, काली वाली चाय पत्ती जो हम यूज़ करते हैं, उसका फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है. तो उससे क्या होता है जब हम घर पे आइस टी बनाते हैं वो थोड़ी कड़वी बनती है, यानी कि काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है. तो स्टोर बॉट आइस टी का टेस्ट नहीं आता है. तो इफ़ यू वॉन्ट दैट स्टोर बॉट आइस टी वाला टेस्ट आई वुड रियली सजेस्ट कि आप इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी से इसे बना कर देखें. फर्स्ट थिंग फर्स्ट इसका बहुत माइल्ड फ्लेवर होता है एंड पानी में इसे हम बनाते हैं आइस टी को तो उसके लिए इसका फ्लेवर बिल्कुल परफेक्ट है. कलर भी आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो कलर आ रहा है वो बिल्कुल स्टोर बॉट आइस टी जैसा है. तो फ्लेम को हम कम करेंगे एंड इसे 3 to 4 minutes के लिए हम बॉयल होने देंगे. इसमें ये बहुत जल्दी अपने फ्लेवर को पानी में रिलीज कर देता है. सो इन दिस आई एम गोना बी एडिंग शुगर. तो बस द शुगर इज ऑल्सो मेल्टेड डाउन. नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना टर्न ऑफ द फ्लेम एंड ये जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड आइस टी सोल्यूशन है इसे हम निकालेंगे. एक जार में या ग्लास में आप किसी भी चीज़ में निकालें. आई स्टिल लाइक टू कीप इन माई टी बैग ताकि उसका फ्लेवर अच्छे से इन्फ्यूज हो जाए. इसे बस इसमें निकाल लेंगे. तो ये जो कॉन्सेंट्रेटेड आइस टी है इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से फ्रेश मिंट लीव्स. हम जस्ट गोना ऐड फ्यू फ्रेश पीसेस ऑफ मिंट लीव्स. तो बस मिंट लीव्स हमने इसमें ऐड कर दिया है एंड अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे फॉर एटलीस्ट 1/2 hour ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए. तो आइस टी का जो कॉन्सेंट्रेट है उसे हमने 15-20 minutes के लिए चिल कर लिया है. बेसिल सीड्स को हमने स्ट्रेन कर लिया है. तो अब हमारे पास सिर्फ सीड्स हैं. पानी को हमने निकाल दिया है इससे. यहाँ मेरे पास है लेमन जूस एंड आई हैव फ्यू आइस क्यूब्स. मेरे पास थोड़ा ठंडा पानी है एंड वी हैव थोड़ा सा लेमन का स्लाइसेस फॉर गार्निशिंग. सो लेट्स स्टार्ट असेंबलिंग आर आइस टी. का जो कॉन्सेंट्रेट है उसे हम इस तरीके से अपने ग्लासेस में स्ट्रेन करेंगे. 1/4 हमें इन्हें स्ट्रेन करके लेना है. फिर हम इसमें ऐड करेंगे आइस क्यूब्स.
फिर हम इसमें ऐड करेंगे लेमन का कॉन्सेंट्रेटेड जूस, अब हम इसमें ऐड करेंगे चिल्ड वाटर, लुक एट दैट ब्यूटिफुल कलर, गिव इट अ क्विक मिक्स. करेंगे बेजल सीड्स, दिस विल मेक योर आइस टी सुपर रिफ्रेशिंग. और हम इन्हें गार्निश करेंगे लेमन के पीस के साथ. तो आवर ब्यूटिफुल आइस टी इज रेडी, सर्व इट चिल्ड. तो अगर आपको मेरी ये अमेजिंग रेसिपी पसंद आई, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. हैप्पी कुकिंग.